इस एक चुनाव से न फिर सरकार गिनती है न सरकार बनती है, लेकिन जिस व्यक्ति को आपने 35 साल मौका दिया इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने से, तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर घर जाइएगा, सोचिएगा क्या उन्होंने इस प्रदेश आपके बेला के विकास में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया, क्या जो बगल के विधानसभा है उससे आपका विधानसभा बेहतर है। आपको हम वादा करते हैं चुनाव के बाद जो भी सड़कें इस इलाके की खराब सड़कें हैं, हम मात्र एक साल का आपसे समय मांगते हैं, आपने उनको 35 साल का समय दिया। अगले नवंबर में इस समय फिर हम चुनाव के लिए आएंगे, क्योंकि ये जो चुनाव है मात्र एक साल के लिए, हम फिर आएंगे और एक साल में जब हम आएंगे तब आप देखिएगा कि इस बेला का रोड का पुल का पुलिया का बिजली का स्कूल का क्या स्थिति है। 35 साल आपने उनको देखा है, अब एक साल मनोरमा जी को भी देने का काम करिए। हाथ जोड़ से आपसे निवेदन करते हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में इन दिनों 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर लड़ाई काफी ज्यादा तेज है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ INDIA गठबंधन है। एक तरफ तेजस्वी यादव अपने गठबंधन के तमाम जीते हुए 3 सीटों को वापस अपने तरफ करने के लिए पूरी दम लगाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ INDIA गठबंधन को हराने के लिए एनडीए के नेताओं ने भी कमर कस लिया है। क्या तरारी, क्या रामगढ़, क्या इमामगंज और क्या बेलागंज, हर जगह पर चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर के साथ हो रहा है, क्योंकि आगामी 2025 के चुनाव से पहले इन 4 सीटों की लड़ाई सेमीफाइनल मानी जा रही है। जन सुराज ने इस मैदान में कूदकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। और इसी बीच देखिए, बेलागंज में 2 यादवों के बीच की लड़ाई, एक तरफ विपक्षी खेमे से सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव पिता की विरासत को बचाने के लिए मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए से पूर्व विधान पार्षद MLC रह चुकी मनोरमा देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। और मनोरमा देवी को जिताने के लिए एनडीए के तमाम नेता कैंपेन कर रहे हैं। और इसी बीच मंत्री अशोक चौधरी मनोरमा देवी के लिए सबसे ज़्यादा कैंपेनिंग बेलागंज में करते नजर आ रहे हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से जब अशोक चौधरी वहाँ पहुँचते हैं तो माहौल बनता है, और किस प्रकार से सुरेंद्र यादव के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ अशोक चौधरी बेलागंज में हुंकार भरते सुनाई दे रहे हैं। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी। बिजली से लोग सिर्फ लाइन से लोग पंखा और लाइट नहीं जलाते हैं, लाइन से लोग पढ़ते हैं, लाइन से लोग का जीवन यापन सुधरता है, लाइन से बाजार हाट मजबूत होता है, और रात में भी गांव के सुदूर इलाकों में भी लगता है कि दिन का माहौल है। इसीलिए जिस बिहार को बढ़ाने में नीतीश कुमार ने अपनी पूरी ताकत लगाई है, पूरा जिंदगी बिताया है, और बिहार अब बड़े छलांग लगाने को तैयार बैठा हुआ है। जो बिहार हमारा पुराना बिहार था, जहाँ पर सम्राट अशोक जैसे चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, वैसा बिहार बनने के लिए बिहार तैयार बैठा है। हमारे यहाँ सड़क बनी है, हमारे यहाँ रोड बना है, हमारे यहाँ बिजली आई है, हमने कृषि के क्षेत्र में धान के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में, दलहन के उत्पादन में हमने दुगना, अब बिहार दुगना धान उत्पादन कर रहा है, मक्का उत्पादन कर रहा है, और 5 साल से जो देश का सबसे बड़ा कृषि के क्षेत्र का पुरस्कार है वो बिहार राज्य को मिल रहा है, वो आप सब किसानों को बदौलत मिल रहा है। इसीलिए जो हमारे पूरी बिहार को पूरे तरह से आगे बढ़ाने के लिए माननीय नेता काम कर रहे हैं, उस नेता को ताकत देने का काम करिए। इस एक चुनाव से न फिर सरकार गिनती है न सरकार बनती है, लेकिन जिस व्यक्ति को आपने 35 साल मौका दिया इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने से, तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर घर जाइएगा, सोचिएगा क्या उन्होंने इस प्रदेश आपके बेला के विकास में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया, क्या जो बगल के विधानसभा है उससे आपका विधानसभा बेहतर है, आपके विधानसभा में अच्छे काम हुए हैं। हम तो घूम रहे हैं, हम सड़क विभाग के मंत्री हैं, जो भी सड़क हम देखे हैं हमको लगता है कि सबसे खराब सड़क जो स्थिति है वो बेला की है, और बेला का यहाँ पर ये देखिए सड़क का हाल, दूसरे जिले में जाइएगा तो आपको ऐसा सड़क नहीं मिलेगा। लेकिन और आपको हम वादा करते हैं चुनाव के बाद जो भी सड़कें इस
इलाके की खराब सड़कें हैं, हम मात्र एक साल का आपसे समय मांगते हैं। आपने उनको 35 साल का समय दिया, 35 साल में उन्होंने आपके लिए क्या किया ये भी आप देखें। आप हमको एक साल का समय दीजिए, अगले नवंबर में इस समय फिर हम चुनाव के लिए आएंगे, क्योंकि ये जो चुनाव है मात्र एक साल के लिए, हम फिर आएंगे और एक साल में जब हम आएंगे तब आप देखिएगा कि इस मेला का, रोड का, पुल का, पुलिया का, बिजली का, स्कूल का क्या स्थिति है। खुद आप बोलिएगा कि नहीं, एक साल में आप लोगों ने बहुत काम किया है राजनीति में आने के लिए। इसीलिए मुखिया, सरपंच और वार्ड मेंबर के भी को भी महिलाओं को आरक्षण दिया कि जो बड़ी आबादी, आधी आबादी हमारी महिलाओं की है, वो आगे आए राजनीति में, वो आगे आए मुख्य धारा में, जिससे कि हमारे सब लोगों का काम जो है तेजी से हो सके। इसीलिए मनोरमा जी को, और 35 साल आपने उनको देखा है, अब एक साल मनोरमा जी को भी देने का काम करिए। हाथ जोड़ से आपसे निवेदन करते हैं, नेता ने इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके मन को और उनके आने वाले जो उनकी पूरी टोली है उनको ताकत देने के लिए कि 2025 के विधानसभा में दोबारा एनडीए का शासन कायम हो, और जो लोग मंसूबा पाल के रखे हैं कि हम 25 में सरकार बनाएंगे, उनके मंसूबों को चकनाचूर करने के लिए बेला में, और एक बिहार के उन्नति के लिए एक बड़ी छलांग लगाने के लिए बेला के इस विधानसभा में मनोरमा देवी को 13 तारीख को तीर छाप पर वोट देकर के विजय बनाने का काम कीजिए। हाथ उठा के कहिए, सब लोग दीजिएगा ना वोट, मनोरमा बच्चा सब नहीं उठा रहा हाथ। ठीक है, धन्यवाद सब लोगों को, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि साल भर में जो बिहार में विकास फायदा नहीं हुआ है, एक साल में उसका फायदा आपको दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय बिहार, जय नीतीश कुमार। तो अभी आपने सुना बेलागंज में किस प्रकार से चुनावी कैंपेन मनोरमा देवी के लिए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी कर रहे हैं, और जब प्रचार के लिए पहुंचे थे, अलग अलग जनसभाओं को संबोधित किया, उस दौरान एक जगह किस तरीके से एक साल के लिए मौका मांग रहे हैं, इस उपचुनाव में मनोरमा देवी को जिताने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर अगले साल आऊँगा, एक साल में इतना काम करके दिखा देंगे किस प्रकार की यहाँ की सड़कें हैं, और पूरा बेलागंज की जो तस्वीर है वो बदलने की बात कर रहे हैं। अब जनता उनकी बातों पर, एनडीए के नेताओं की बातों पर, मनोरमा देवी के बातों पर कितना भरोसा कर पाती है, ये तो जब 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे तो पता चल जाएगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।